हेलो दोस्तों, मैं सुधा सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो लोगों के लिए हरे मटर की दाल बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, हरे मटर की दाल बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें हमें लेनी है एक कटोरी छिली हुई मटर, एक कटोरी कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी हरी धनिया। अब हम तड़के की सामग्री तैयार कर लेंगे, जिसमें हमें लेनी है एक कटा हुआ प्याज, दो से तीन लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च, छह से सात कटे हुए लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक कटा हुआ। अब हम दाल के लिए मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें हमें लेना है एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दाल बनाने के लिए हम छीली हुई मटर को दरदरा पीस लेंगे। दोस्तों, चलो हम दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और गैस पर कुकर रख देंगे। जब हमारा कुकर गर्म हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम तेल में जीरा और हम प्याज डालकर थोड़ा सा चलाएंगे। जब हमारा प्याज थोड़ा पक जाए, हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब हमारा प्याज सुनहरा हो जाए तो हम दरदरी की हुई हरी मटर डालकर 2 मिनट तक चलाएंगे। फिर हम हल्दी, सब्जी मसाला, लाल मिर्च, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर चलाएंगे। फिर हम कटे हुए टमाटर डालकर 1 से 2 मिनट तक चला देंगे। फिर हम 2 गिलास पानी डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डालकर कुकर को बंद कर देंगे। तीन से चार सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। जब हमारे कुकर की सीटी खुल जाए तो हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। दोस्तों, हमारी दाल पक चुकी है।
अब हम कुकर को हटा देंगे। हम गैस जलाएंगे और गैस पर कढ़ाई रख देंगे। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए, हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए, हम उसमें जीरा, कड़ी पत्ता डालकर कढ़ाई में दाल को डाल देंगे। और जब हमारी दाल में उबाल आ जाए, गैस को बंद कर देंगे। कटी हुई हरी धनिया डालकर दाल को ढक देंगे। दोस्तों, हमारी दाल बनकर तैयार है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।